हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की फाइनल क्लास, मतलब क्लास नंबर 30। अगर आपने ये पूरा कोर्स अच्छे से समझा है और हमारे साथ प्रैक्टिस की है, तो आई एम श्योर आपकी डेली कन्वर्सेशन, चाहे वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो या फिर फ़ोन पर या फिर टेक्स्ट मैसेजेस में या फिर फ्रेंड्स के साथ, सभी में ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वह शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन से पहले आकर बताते हैं कि किसकी बात हो रही है और कितनी बात हो रही है। इन शॉर्ट, ये नाउन के बारे में कंफर्म करते हैं। डिटर्मिनर्स तो ठीक है, बट ये नाउन क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम नाउन को ही थोड़ा समझ लेते हैं। नाउन वह शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट या स्थान मतलब प्लेस का पता चले। जैसे कि दिल्ली, ये एक सिटी है मतलब जगह का नाम है। टेबल, ये एक ऑब्जेक्ट है। राहुल, ये एक पर्सन है। स्कूल, ये एक प्लेस है मतलब जगह का नाम है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज़, जगह और व्यक्ति के नाम को ही नाउन कहा जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए बढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे कि हमने देखा कि डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। तो यहाँ पर नाउन कहाँ पर है? मोबाइल एक नाउन है क्योंकि एक वस्तु का नाम है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इससे पहले क्या है? ए। ए बता रहा है कि कितने मोबाइल हैं, मतलब एक मोबाइल है। तो इस तरह एक डिटर्मिनर है यहाँ पर। ए आर्टिकल भी होता है, बट यहाँ पर ये एक डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कार इज माइन, यह गाड़ी मेरी है। यहाँ पर नाउन क्या है? कार। कार से पहले क्या लगा है? दिस। तो दिस यहाँ पर एक डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ये बता रहा है कि कौन सी कार के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज हर नेकलेस, वह उसका हार है। यहाँ पर नेकलेस एक नाउन है और नाउन से पहले है हर। तो हर यहाँ पर एक डिटर्मिनर है। ये बता रहा है कि किसका नेकलेस है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिस और दीस के यूज़ को। ये दोनों ही पास की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दिस सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी भी सिंगल और एक चीज़ के लिए। दीस एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अगर आप दिस और दीज के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो प्लीज हमारी क्लास 1 जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। डू यू वॉन्ट दिस पेन, क्या आपको ये पेन चाहिए? इस सेंटेंस में पेन जो है वो नाउन है और इससे पहले दिस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दिस हमें बता रहा है कि किस पेन के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए दिस यहाँ पर डिटर्मिनर का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस हाउस इज नॉट फॉर सेल, यह घर बिक्री के लिए नहीं है। यहाँ पर हाउस एक नाउन है और उससे पहले लगा है दिस। दिस हमें बता रहा है कि किस घर के बारे में बात हो रही है। दीज स्वीट्स आर नॉट फ्रेश, ये मिठाइयाँ ताजी नहीं है। तो यहाँ पर स्वीट्स जो है वह नाउन है और उससे पहले लगा है दीज। दीज यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर स्वीट्स जो है वह एक प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हमने दीज का यूज किया है। तो दीज हमें बता रहा है कि किन मिठाइयों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। दीज चॉकलेट्स आर माइन, ये चॉकलेट्स मेरी हैं। यहाँ पर चॉकलेट्स नाउन है और उससे पहले दीज हमें बता रहा है कि किन चॉकलेट्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे दैट एंड दोज के बारे में। ये दोनों ही दूर की चीजों के लिए यूज होते हैं और ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। दैट सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है, मतलब एक चीज के लिए। दोज जो है वह प्लूरल चीज के लिए यूज होता है, मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, कृपया मुझे वह किताब ला कर दें। अब यहाँ पर बुक जो है वह एक नाउन है और उससे पहले दैट लगा है।
दैट हमें बता रहा है कि किस किताब के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यू कैन यूज दैट लैपटॉप. आप उस लैपटॉप का उपयोग कर सकते हैं. लैपटॉप यहाँ पर नाउन है और उससे पहले दैट लगा है, तो दैट हमें बता रहा है कि किस लैपटॉप के बारे में बात हो रही है. तो दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. दोज एप्पल्स आर योर्स. वे सेब तुम्हारे हैं. एप्पल्स नाउन है और उससे पहले लगा है दोज. दोज यहाँ पर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम एक से ज्यादा एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं. दैट एक सिंगुलर के लिए यूज होता है, मतलब किसी भी एक चीज के लिए, और दोज एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं. दोज चेयर्स आर फॉर टीचर्स. वह कुर्सियां शिक्षकों के लिए हैं. चेयर्स यहाँ पर नाउन है और उससे पहले दोज हमें बता रहा है कि चेयर्स के बारे में बात हो रही है. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है. अब हम देखेंगे पोजेसिव्स. पोजेसिव्स होते हैं अधिकारक. इनसे पता चलता है कि चीज किसकी है. इसके एग्जाम्पल्स हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर. इनका सेंटेंस में यूज देखते हैं कैसे करते हैं. दिस इज माई रूम. यह मेरा कमरा है. यहाँ पर नाउन क्या है? रूम. रूम से आगे लगा है माई. तो माई एक डिटर्मिनर है और ये बता रहा है कि किसका कमरा है. आई होप कि आपको माई का यूज समझ आ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इज दिस योर कार. क्या ये आपकी गाड़ी है? तो यहाँ पर कार जो है वो नाउन है और उससे पहले योर लगा है, मतलब योर एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और ये बता रहा है कि किसकी गाड़ी है. क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. द ट्री शेड इट्स लीव्स. पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है. तो यहाँ पर लीव्स जो है वह नाउन है और इससे पहले इट्स बता रहा है किसकी बात हो रही है. दैट इज हर हाउस. वह उसका घर है. यहाँ पर हाउस एक नाउन है और उससे पहले हर एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और बता रहा है कि किसका घर है और किसके घर के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं. अब हम देखेंगे क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स मतलब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, मतलब कि क्वांटिटी के लिए कौन कौन से डिटर्मिनर्स यूज होते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सम, एनी, लिटल, अ लिटल, फ्यू, अ फ्यू, मच, मैनी, एट्सेट्रा. तो सबसे पहले हम देखते हैं सम. सम यूज होता है थोड़ा और कुछ की सेंस के लिए. इससे हमें पता चलता है कि चीज कितनी है. और याद रखिए ये हमेशा पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, मतलब कि जितनी चीज है वो काफी है, मतलब बंदा जो है वह सेटिस्फाई है उससे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. डू यू हैव सम मनी. क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव के लिए यूज किया है. यहाँ पर मनी जो है वह एक नाउन है और उससे पहले सम बता रहा है कि कितनी मनी है, मतलब कितने पैसे के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं. I had some rice for lunch. मेरे पास दोपहर में खाने के लिए कुछ चावल थे. राइस जो है वह एक नाउन है और उससे पहले सम लगा है और सम हमें बता रहा है कि कितने राइस थे, मतलब कितने चावल थे. और ये एक पॉजिटिव सेंस के लिए यूज हुआ है, मतलब कि जितने भी चावल थे वो उनसे सेटिस्फाई है, वो उसके लिए बहुत है. नेक्स्ट है. There is some milk in the glass. ग्लास में कुछ दूध है. तो यहाँ पर मिल्क एक नाउन है और उससे पहले सम हमें बता रहा है कि कितना दूध है, जितना भी दूध है वह काफी है. नेक्स्ट है. देयर वर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास. कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे. यहाँ पर स्टूडेंट्स नाउन है और उससे पहले सम हमें बता रहा है कि कितने विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है या फिर क्लास में कितने विद्यार्थी थे. नेक्स्ट देखते हैं. एनी. एनी यूज होता है कुछ और कोई की सेंस में. इससे भी यही पता चलता है कि चीज कितनी है, बट ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है. नेगेटिव सेंस में कैसे यूज होता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. ही डजंट हैव एनी मनी. उसके पास कोई पैसा नहीं है. तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी ही शो हो रही है, चाहे सेंटेंस में नॉट लगा हो या फिर ना लगा हो, बट उसकी सेंस जो है वह हमेशा नेगेटिव ही निकलेगी. तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एनी का यूज होगा. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई डोंट वॉन्ट एनी केक.
मुझे कोई केक नहीं चाहिए। तो यहाँ पर केक एक नाउन है और उससे पहले एनी लगा है और बता रहा है कि मतलब उसको क्या नहीं चाहिए या फिर कितना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी फ्रेंड इन लंदन? क्या आपका कोई दोस्त लंदन में है? यहाँ पर फ्रेंड जो है वह नाउन है क्योंकि एक कैटेगरी शो कर रहा है। तो इससे पहले एनी हमें बता रहा है कि कितने फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट एनी फ्रूट? क्या आपको कोई फल चाहिए? तो मतलब ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में ही शो करता है। अब हम देखेंगे अ लिटल और अ फ्यू के बीच में डिफरेंस और उनके डिफरेंस को समझते हुए उनको समझेंगे। अ लिटल जो है वह थोड़ा सी सेंस के लिए यूज होता है, बट ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। मतलब जहां पर भी ये यूज होगा वहां पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइंग होगी। मतलब जो पर्सन है वो अपनी जितनी भी चीज है उसके लिए सेटिस्फाई रहेगा, मतलब हमेशा एक पॉजिटिविटी में रहेगा। ध्यान ये रखना है कि ये अ लिटल अनकाउंटेबल और प्लूरल के लिए यूज होगा। अनकाउंटेबल होता है जिनको आप 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, टाइम, शुगर, आप इन सब चीजों को काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल बोला गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव गॉट अ लिटल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस ही निकल रही है क्योंकि उसके पास जितने हैं वो उससे थोड़ा सेटिस्फाई है कि हाँ भाई चलो जितने भी हैं वो काफी हैं, आई विल मैनेज। नेक्स्ट है, आई हैव अ लिटल फ्री टाइम ऑन वीकेंड, मेरे पास सप्ताह अंत में मतलब वीकेंड में थोड़ा खाली समय है। तो मतलब एक वो पॉजिटिव साइन दे रहा है कि हाँ भी मेरे पास थोड़ा टाइम है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अ फ्यू, कुछ तो है मतलब थोड़ा बहुत जितना है वो मैनेजेबल है, तो इसलिए ये भी जो है वह पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। बट अ फ्यू एक काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 करके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। मतलब वह एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि हाँ भाई जितने हैं मैं उनमें सेटिस्फाई हूँ। नेक्स्ट है, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में कुछ फूल हैं। मतलब यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सेंस ही निकल रही है कि फ्लावर्स जितने हैं अ फ्यू हैं बट सेटिस्फाई हैं। अब हम देखते हैं लिटल और फ्यू के बीच का डिफरेंस और उन्हें समझते हैं। लिटल जो है वह बहुत थोड़ा की सेंस में यूज होता है और एक ही नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। मतलब पर्सन जो है वह सेटिस्फाई नहीं है और उसके पास जितनी भी चीज है वह शेयर नहीं कर सकता। मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस के लिए ये यूज होता है और ये अनकाउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 में काउंट नहीं होगी चीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैड लिटल मनी, उसके पास कम पैसे थे। मतलब जितने भी पैसे थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं है और वो किसी और को भी वो चीज नहीं दे सकता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव लिटल टाइम फॉर मूवीज एंड म्यूजिक, मेरे पास फिल्मों और संगीत के लिए बहुत कम समय है। तो यहाँ पर भी वो एक नेगेटिव सेंस ही दिखा रहा है कि मतलब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिल्मों और संगीत के लिए, तो वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अब हम देखते हैं फ्यू। फ्यू जो होता है वह बहुत ही कम चीज के लिए यूज होता है, जैसे कि लिटल, बट ये एक काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में, तो उन सब चीजों के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर वर फ्यू बर्ड्स, वहां कुछ पक्षी थे। मतलब ये बता रहा है कि कुछ पक्षी थे बट श्योर नहीं है कि कितने थे या फिर बहुत ही कम पक्षियों के बारे में वह बता रहा है। नेक्स्ट है, फ्यू पीपल विजिटेड हिम इन हॉस्पिटल, अस्पताल में उनसे कम ही लोग मिले। यहाँ पर भी एक नेगेटिविटी ही शो कर रहे हैं, मतलब ना के बराबर ही लोग आए थे। अब हम समझते हैं मच के यूज को। मच यूज होता है बहुत या ज्यादा की सेंस में और ये अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है जिन्हें कि आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ मच बटर डू यू हैव, आपके पास कितना मक्खन है, ये इसका इंटरोगेटिव यूज है। जब हमें पूछना होता है कि कितनी चीज है तो हम हाउ मच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नॉट मच शुगर इन द बॉल, कटोरी में ज्यादा चीनी नहीं है। यहाँ पर शुगर नाउन है और उससे पहले मच बता रहा है कि कितनी चीनी है या कितनी चीनी नहीं है। नेक्स्ट है, आई विश देयर वॉज नॉट सो मच ट्रैफिक, काश बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना होता। अब यहाँ पर मच से पहले सो लग गया है तो इसलिए
यहाँ पर बहुत ज्यादा की सेंस में इसको यूज करेंगे, तो बता रहा है कि कितना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक क्वांटिटी को ही शो कर रहा है। आई हैव टू मच हनी एट होम, मेरे पास घर पर बहुत ज्यादा शहद है। यहाँ पर टू मच बता रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसके पास शहद रखा हुआ है। अब हम देखते हैं मैनी के यूज को। मैनी बहुत और ज्यादा दोनों ही सेंस में यूज होता है, जैसे कि मच यूज होता है, बट ये काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 में। यूजेस देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने छात्र हैं। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंस में अगर हमें पूछना है कि कोई चीज कितनी है तो हम हाउ मैनी लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट मैनी पीपल केम टू द पार्टी, पार्टी में ज्यादा लोग नहीं आए। तो यहाँ पर पीपल जो है वे एक कैटेगरी है, मतलब एक नाउन है, तो उससे पहले मैनी बता रहा है कि कितने लोग नहीं आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर टू मैनी डॉग्स इन द पार्क, पार्क में बहुत सारे कुत्ते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे के लिए टू मैनी का यूज किया है, बता रहे हैं कि कितने ज्यादा कुत्ते थे। देयर वर नॉट सो मैनी पेशेंट्स लास्ट ईयर, पिछले साल इतने ज्यादा मरीज नहीं थे। तो यहाँ पर पेशेंट्स से पहले सो मैनी लगा है, और सो मैनी मतलब बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी थी पेशेंट्स की। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हैं ए एंड द, जो कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ए एंड द आर्टिकल्स भी होते हैं और ये डिटर्मिनर भी हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कितनी चीज है और किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, शी हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। कैट जो है यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले ए लगा है, तो ए हमें बता रहा है कि कितनी बिल्ली है। ए मतलब एक, एक के लिए हम ए यूज करते हैं, तो इस तरह ये डिटरमिन कर रहा है कि कितनी बिल्लियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई नीड एन अम्ब्रेला, मुझे एक छाता चाहिए। अब यहाँ पर अम्ब्रेला जो है वह एक नाउन है, और नाउन से पहले एन लगा है। एन भी एक सिंगल चीज के लिए यूज करते हैं, एन इसलिए लगा है क्योंकि अम्ब्रेला जो है वह यू से शुरू होता है, और यू जो है एक वोवल साउंड है, और इसका साउंड अ आ रहा है अम्ब्रेला, तो अ मतलब एक वोवल साउंड के लिए हम एन यूज करेंगे। अगर आपने आर्टिकल्स के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, अननोन फैक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स जानने हैं और उनका पूरा यूज जानना है, तो आप हमारी क्लास 20 जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं और आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ पर डॉग जो है वह एक नाउन है, और उससे पहले द लगा है, तो द हमें बता रहा है कि किस पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। द बुक इज माइन, पुस्तक मेरी है। यहाँ पर बुक जो है वह एक नाउन है, और नाउन से पहले द लगा है, तो द हमें यही बता रहा है कि किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर द एक डिटर्मिनर है, वो बता रहा है कि किस बुक के बारे में बात हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।